नमस्कार, सुस्वागतम। प्राचीन कला केंद्र की ओर से आदरणीय गुरु ब्रिजमोहन गंगानी जी, वरिष्ठ कथक गुरु, जाने माने शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर महेंद्र प्रताप शर्मा जी, गुरु माँ शोभा कौसर, रजिस्ट्रार प्राचीन कला केंद्र, श्री सजल कौसर, सचिव प्राचीन कला केंद्र, और गुरुजनों, सुधिजनों एवं सभागार में उपस्थित समस्त दर्शकों का आज की नृत्यमयी संध्या में हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले कि आज के कार्यक्रम का प्रारंभ हो, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की अत्यंत हार्दिक बधाई। नृत्यमयी संध्या हमारे प्राचीन कला केंद्र द्वारा समय समय पर आयोजित करवाई जाती रही है। वर्ष 1956 में जन्मी प्राचीन कला केंद्र एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य प्रमुख कलाकारों, उदयमान कलाकारों इत्यादि और शास्त्रीय कलाओं का प्रचार प्रसार एवं विस्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति हेतु प्राचीन कला केंद्र समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में यथाशक्ति यथासंभव सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता आ रहा है। इसी के तहत पिछले लगभग 23 वर्षों से हर महीने की 11 तारीख को मासिक बैठक का आयोजन करवाया जाता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन कला केंद्र आज 275वीं बैठक का आयोजन करने जा रहा है। धन्यवाद। जिसमें कथक नृत्य प्रस्तुत करेंगी हमारी आज की मेहमान कलाकार सुश्री अंजलि मुंजाल। अब इनके बारे में दो शब्द। अ डांसर, कोरियोग्राफर एंड अ टीचर पार एक्सीलेंस, मिस अंजलि मुंजाल इज अ ग्रेसफुल प्रोफेशनल डांसर हु पोजेसेस अ सेंस ऑफ रिदम, अ फीलिंग फॉर म्यूजिक एंड अ क्रिएटिव एबिलिटी टू एक्सप्रेस हरसेल्फ थ्रू मूवमेंट। Having good health and excellent physical stamina as well as an ability to work as a part of team with other singers, performers, artists and actors, she harmonizes body movements to rhythm of musical accompaniment. She had the privilege of learning Kathak under the tutelage of a great artist, Doyen of Jaipur Gharana, Guru Vidhalal ji herself. She has performed on a number of prestigious festivals of India and abroad like Rajappa Festival, Penukonda Utsav, Ritu Vasant Mahotsav, Udaipur, Chakradhar Samaro, Raigad, etc. Apart from being a performer par excellence, she has a good teaching experience as well. Presently running her own institute, Jhankar, at New Delhi, Anjali ji has also been appointed as a dance teacher at Kala Sangam, New Delhi, and a part-time teacher at Mayur Girls School, Gurgaon, and she's also associated as a dance teacher with NGO Tapaswini Nav Sadhana, New Delhi. She has been bestowed upon with following awards and scholarships: Scholarship for Young Artists by Ministry of Culture, India. Scholarship for Young Artists by Sahitya Kala Parishad, New Delhi. Was elected President of the Indian Dance Society, Gargi College, Delhi University. Won the 7th Shri Rajiv Gandhi Pratibha Puraskar for her extracurricular activities. On behalf of Prachin Kala Kendra, it gives me immense pleasure to welcome such an illustrious young, talented and dedicated artist, Miss Anjali Munjal. Ek bari zordar taaliyan ho jaye. Jaise ki aap dekh rahe hain, manch par sushobhit hain sangat kalakar. Tabla par hain Shri Aman Ali Khan sahab. Aap Ustad Manju Khan sahab ke shagird hain aur Ajrara Gharana se sambandhit hain. Gayan par hain Shri Shuheb Hassan. और सारंगी पर श्री अमीर खां साहब। आप दोनों ही सिद्दीक अहमद खां साहब एवं गुलाम साबिर खां साहब के शागिर्द हैं, जो कि मुरादाबाद घराने से संबंधित हैं। और पढ़ंत पर आज मंच पर सुशोभित रहेंगी श्री
Sushri Sonam Yadav. बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत अभिनंदन सभी कलाकारों का धन्यवाद.
नमस्कार सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों गुणीजनों एवं रसिकों को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरु माँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर अपनी प्रस्तुति अपनी हाजिरी दे सकूँ। इस मंच पर बहुत ही बड़े और दिग्गज कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है और मुझे ये अवसर मिला, ऐसा लग रहा है बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। इतना डर मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी नहीं लगा था। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू प्राचीन कला केंद्र फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा बात ना करते हुए मैंने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ किया विघ्नहर्ता गणेश जी के वंदन से। प्रस्तुत करूँगी ताल तीन ताल में पारंपरिक शुद्ध नृत्य। धा धिन धिन उठान में से 3.5 मात्रा से उठती है। ता ते ते ता ता ते ई आ ते ते ता आ ते ते ता ते ग ता 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 ट्रम ते ता ते ट्रम ते ता ते ट्रम ते ता ता ते।
बजाया है तो मुझे भी अपने पिटारे में से कुछ खूबसूरत सी चीज निकालनी पड़ेगी। प्रस्तुत है एक टिपली। धान दिकिट दात्रक दिकिट दिट 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 दात्रक दिकिट कथक दिगिन दाते दा कथक दिगिन दाते दा कथक दिगिन दाते दा रात दिकिट दात्रक दिकिट दिट 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 दात्रक दि कत गदि गन दाते दा कत गदि गन दाते दा कत गदि गन दाते दा धान दिकिट दात्रक दिकिट दिट 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 दात्रक कत गदि गन दाते दा समापन करूंगी एक परन के साथ धाती ते धाती के बोल धाती ते धाती ते दादा ती ते के धाती ते धाती ते दागी दे ते तगन दा ती ते कद कद गिन धाती ते कद गिन दा ती कद कद गिन दा आज मेरा टीका मुझसे रूठ गया है। मान ही नहीं रहा
इतनी बार चिपकाने की कोशिश की, नहीं मान रहा, अब मैं इससे रूठ गई हूँ। मैंने अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ गणेश जी की आराधना से किया, तत्पश्चात ताल तीन ताल में शुद्ध नृत्य विलंबित लय, और क्योंकि इतना खूबसूरत मौसम है, सावन का महीना अभी अभी गुजरा है और बारिश की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो एक ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन रागमिया मल्हार में बिजुरी चमके बरसे मेहा, इसकी कॉम्पोजिशन कोरियोग्राफी मेरी गुरु विधालाल जी की। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ संगत या मुझे आशीर्वाद देने के लिए अमान भैया यहाँ पे हैं। मैं जब छोटी थी क्लास में जाती थी तो अमान भैया ही वहाँ पे होते थे, आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पर आशीर्वाद है क्योंकि वो मेरे साथ हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड वोकल्स पर नन अदर देन शोहेब हसन जी, और सारंगी पर हमेशा से मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए मेरे बड़े भैया आमिर खान साहब, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोनम यादव मेरी गुरु बहन, आज मेरे साथ पढ़ंत पर हैं। थैंक यू सो मच। प्रस्तुत है बिजुरी चमके बरसे मेहा। Yeah.
Yeah.
दिन्दा दा दिन्दा। फिर से इतना खूबसूरत मौसम है, सावन का महीना है, झूला झूलने का बहुत मन है, तो एक झूला परन। बराबर ही कोई साथ बैठे हैं तो हर चीज से पहले इजाजत। बोल जाती थी एक तिहाई से पहले गुरुमा से बात चल रही थी, गुरुमा ने
कहा कि यहाँ इतने दिग्गज कलाकार परफॉर्म करके गए हैं, लेकिन गुरु माँ यहाँ की जो एनर्जी है इट्स ब्यूटिफुल. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू. जैसे मैंने कहा मुझे लग रहा है 10th का एग्जाम बोर्ड चल रहा है मेरा. तत् थे के थोड़े पैर कमजोर हैं तो पहले जाओगी माफी जैसी कोई चीज नहीं है, तो मैं तो फेल हो गई एग्जाम में. Thank you.
जिसका प्यास संग बीते सावन, 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 सावन सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाना अच्छा था कि नृत्य अच्छा था कि तबला अच्छा था कि सारंगी अच्छी थी, क्या बात।
गुरु माँ से आग्रह कि वो दो शब्द कहें। माइक दो। वो वही हाँ है। दर्शकों से विनम्र पता है कि पिछले 23 साल से हमारी ये गायन वादन और नृत्य की बैठक हो रही है और बड़े बड़े अजूबे हुए इन बैठकों में, बड़े बड़े कलाकार आए, हैरान भी हुए, कहीं निराश भी हुए, कहीं अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारा फंक्शन था तो हम वाह वाह भी करते थे, पर आज सच्ची बहुत बहुत सुंदर जो साथी लोग सब तबीयत से बजाया, दिल से बजाया। और सबसे खूबसूरत बात है कि आप जो संगत करते हैं, प्रोफेशनल कलाकार होते हैं, हर एक के साथ बजाते हैं, लेकिन आप लोगों के नेचर में, आप लोगों के स्वभाव में मैंने ये देखा, दिल से बजाते हैं। और जब दिल से बजाया जाए या नाचा जाए या गाया जाए तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, और वो खुशबू आपके गाने में, आपके तबले में, और सारंगी का जब सुर छेड़ा, और बेटा इन लोगों के इतने ज़ोर से मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, आइंदा से कहना आपका ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन आपने जो सुनाई पड़ा जितना, बहुत सुंदर। और अंजलि बहुत सुंदर, भगवान मैं तो ये कहूँगी कि बहुत आगे जाओ। क्यों भाई, कैसा लगा? एक एक आपके जो परफॉर्मेंस में एक फील थी, चाहे वो अपने नायक के लिए थी, चाहे पिया के लिए थी, या तबला तिहाई में कुछ करने की, वो एक फील थी, दिल से किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु ब्रिजमोहन गंगानी जी से भी सादर आग्रह के वो भी मंच पर आए और आशीर्वाद दीजिए, प्लीज़ गुरु जी। तबले पर श्री अमान अली खान साहब ने, अंजलि मुंजाल, तबले पर श्री अमान अली खान साहब, आइए जी आइए, जोरदार तालियां हो जाएं जैसा इनका तबला था, प्लीज। और गायन पर श्री शोएब हसन, सोनम यादव पठन पर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी किए बगैर नहीं आता। आप सब जो आज यहाँ 275वीं मासिक बैठक में आज हमारे साथ जुड़े और इस खूबसूरत नृत्य और संगत का जो आपने सबने रिलीज किया, लुत्फ उठाया, उसके लिए आप सबको जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों में साथ आते रहिए, कलाकारों का प्रोत्साहन करते रहिए। मलार उत्सव अभी आ रहा है 4 दिन का और बड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं। पंडित महेंद्र प्रसाद जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी गुरुजन हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, गुरु योगेश नंदानी जो है, रिकेश हैं, शायद पार्थ सेन का मुझे दिख नहीं रहे जो है, और शिवानी या जो भी, और हमारा पीके के परिवार स्टाफ विनय गुरु जी, अपना प्रबोध जी भी बैठे हैं, और सब जो भी हमारे साथ साथ जुड़े हैं, हमारे स्टाफ सीनियर स्टाफ सबका बहुत धन्यवाद, और कलाकारों का तो खास तौर से भी बहुत बढ़िया। और आपको हमारी गुरुमाने भी बताया कि आप अप्लाई कर रही हैं और अपने आगे की तो हाँ MBA, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप अपना उसमें भी चार चांद लगाएं, जैसे आप नृत्य में उर्दू से कर रही हैं, और आप दोनों विधाओं में आपको खूब नाम मिले और आपकी प्रसिद्धि हो, हमारी यही शुभकामनाएं प्रभु की, और प्रार्थना भी आपके साथ है कि प्रभु सब अच्छा करें। धन्यवाद, और आप हम फोटो खिंचवा लेते हैं। जय हिंद। आइए।